हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपके साथ खोए मटर की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैंने लिया है खोवा, 150 ग्राम खोवा है, हरा मटर 250 ग्राम मटर, 2 चम्मच पिसी हुई धनिया, 2 हरी इलायची, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 तेज पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च। मैंने प्याज, टमाटर और लहसुन का पेस्ट बना लिया है। इसमें 3 टमाटर, 1 प्याज और 4 से 5 लहसुन की कलियां हैं और नमक स्वाद अनुसार। तो मैंने गैस जला दिया। इसमें डालेंगे अब 1 चम्मच घी, 1 चम्मच घी मेरा गरम हो गया तो ऐड करेंगे जीरा, तेज पत्ता, हरी इलायची और लाल मिर्च। ऐड करेंगे प्याज, टमाटर और लहसुन का पेस्ट। और अच्छी तरह से भूनेंगे मसाले को। ऐड करेंगे धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाला हमारा भुन गया तो ऐड करेंगे खोवा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे। खोवा हमारा मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो ऐड करेंगे हरी मटर। अच्छी तरह से मिलाएंगे इसे। ऐड करेंगे पानी। पानी इतना ही रखना है जितनी हमको अपनी सब्जी में कड़ी चाहिए। ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे और 3 से 4 मिनट तक इसे हम ढककर पकाएंगे सिम गैस पर। तो अपनी हम खोए मटर की सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो मटर हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है तो हम गैस को बंद कर देते हैं। तो हमारी खोए मटर की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। डाल देते हैं हरा धनिया, हरी मिर्च और निकाल लेते हैं एक बर्तन में।